ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया है। स्थानीय अदालत के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष की उम्मीदों के खिलाफ माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। यहां बता दें कि दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की रहने वाली चार महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल की थी। मई में ज्ञानव्यापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को नियमों के खिलाफ बताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, मगर मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। अब स्थानीय अदालत का फैसला आने के बाद बरेलवी मुसलमानों का मरकज कहे जाने वाले दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट तक मस्जिद की सलामती के लिए पैरवी की जाएगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद बनारस के ताल्लुक से जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले पर हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना है कि कोर्ट का फैसला है, वो हमें मंजूर है, मगर हम इनके फैसले को आगे चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सकेगा मस्जिद की पैरवी में मुकम्मल तरीके से, बाज़ाब्ता तरीके से, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और कानून की जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया जाएगा।